जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो गाइस यहां पे मैं बातें करूंगा बॉबी भाई की। जी हां दोस्तों, बॉबी भाई के रिव्यूज जो कि आएंगे दोस्तों, सुबह सुबह आएंगे या शाम को आएंगे तो ये नो आइडिया, लेकिन आएगा जरूर बॉबी भाई का रिव्यूज। पर देखो दोस्तों, टिल इंटरवल का रिव्यू आएगा उनका। तो दोस्तों, टिल इंटरवल में क्या बोलने वाला है बंदा वो मैं अभी से ही आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों देखो, टिल इंटरवल में डायरेक्ट बोलेगा वो, ऐसा ही कैमरा निकालेगा और ऐसा सीढ़ी में चलते जाएगा, भाई मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, मूवी बंडल है, एक्शन सिक्वेंसन जितना भी है वो घटिया है। देखो मैं जा रहा हूँ, इंटरवल हो गया दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घर पे और वो लिफ्ट दिखाएगा, लिफ्ट में अंदर जाएगा, नीचे उतर जाएगा, उसके बाद वो आगे का क्या होगा भगवान ही जाने। खैर जो भी हो, वो मूवी को पॉजिटिव बोलने वाला नहीं है दोस्तों, लिटरली बोल रहा हूँ। आप ये वीडियो को सेव करके रख लो, जब उनका रिव्यू आएगा आप उठा के देख लेना कि फुल नेगेटिविटी फैलाने वाला है ये बंदा, फुल नेगेटिविटी लिटरली बोल रहा हूँ। वही बोलेगा कि सब बेटा एक्शन है, कुछ है नहीं, मूवी की कहानी कहाँ जा रही है, स्टोरी कहाँ जा रही है, यही सब वो बेलने वाला वीडियो में दोस्तों, फुल नेगेटिविटी। लेकिन पब्लिक ध्यान तो देती नहीं है, सबको पता है कि वो हेटर्स है। जब उस बंदे को टाइगर जिंदा है मूवी एवरेज लगी, दंगल एवरेज लगी, सुल्तान एवरेज लगी, सिर्फ वो बंदा एक मूवी को, सलमान खान को मूवी को सिर्फ अच्छा बोला हुआ, बजरंगी भाईजान, क्योंकि बजरंगी भाईजान की जो कंटेंट थी वो बोलेगा ही, मगर उसके बाद जितनी फिल्में आई है सलमान खान की सबको नेगेटिव बोलता, चाहे वो शाहरुख खान की हो या आमिर खान की हो। पता नहीं यार इसको खान से क्या है, टक्स मतलब कि क्या तकलीफ है खान से यार, मतलब कि खान की जो तरक्की है ना बॉलीवुड पे, जो राज कर रहा है ना खान, मतलब कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये खान सी पावर क्यों है। एक गदर मूवी क्या चल गई और हवे में उड़ने लगे, हवे में उड़ने लगे। अरे हाई मेरे, इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ यार, इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, इतनी नफरत लाते कहाँ से हो आप लोग यार। मतलब जितने भी हेटर्स, मैं सबको बोल रहा हूँ यार, इतनी नफरत लाते कहाँ से, जितने आप नफरत करोगे ना खान से, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, वो बंदा और ऊपर जाएगा। मतलब कि यार जितने भी हेड्स फैलाओगे वो बंदा और ऊपर जाएगा, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत हैं, इनको देखने वाले बहुत हैं, इनके स्टारडम का पता है आपको, इनका स्टारडम बहुत है, बहुत है, चाहे वो इंडिया में हो या ओवरसीज में हो, पावर ऑफ स्टारडम है ये लोगों का। तो भाई मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, इतनी नेगेटिविटी अच्छी बात नहीं है। हाँ बोलो, अगर मूवी अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी है, लेकिन नहीं, मूवी अच्छी भी रहेगी तो आप बुरे बोलोगे, बुरी रहेगी तो बुरी तो है ही है, लेकिन अच्छी को भी बुरी बोलोगे। लेकिन ये लोग क्या है दोस्तों, देखो अभी ये लोग क्या है, ये लोग फैंस है, मतलब गदर जैसे सनी पाजी का फैंस है, कोई अक्षय का फैंस है, कोई आलिया भट्ट का फैंस है, कोई टाइगर श्रॉफ का फैंस है। तो यार मतलब टाइगर श्रॉफ अगर गंदी मूवी भी बनाए ना यार सुपर हिट, अनन्या पांडे यार गंदी पिक्चर भी बनाए ना यार ब्लॉकबस्टर, मतलब कि ऐसे ऐसे इन लोगों का रिव्यूज आता है। ये लोग क्रिटिक नहीं है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, ये लोग क्रिटिक नहीं है, ये क्रिटिक के नाम पे धब्बा है, धब्बा लिटरली बोल रहा हूँ। हम मेरे के हिसाब से तो यार इंडिया में कोई क्रिटिक है ही नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ। इंडिया में ना सिर्फ एक क्रिटिक पता है कौन लोग है, ऑडियंस है। तो ऑडियंस की बातों पे आप लोग जाना मूवी देखें, ना कि ये लोग क्रिटिक के ऊपर, क्रिटिक की बातों पे आना ही मत। जितने भी क्रिटिक है, जितने भी हैं जो पॉजिटिव भी बोलेंगे उनकी बातों में भी बताना, आप एक बार थिएटर में देखना, उसके बाद आप अपनी राय रखना, मैं यही बोलूंगा दोस्तों। तो यही सब रिव्यूज आने वाले देखना दोस्तों, आप जरूर मेरे वीडियो को सेव कर लेना कि ये सब नेगेटिव फैलाने वाले हैं संडे को सुबह सुबह मूवी को देख के। दोस्तों इंटरवल से ये बंदा तो बिल्कुल भागने ही वाला है, और बाकी जब इंटरवल से भाग जाएगा ना उस वक्त मेरा वीडियो को इंतजार करना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।